नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। दोस्तों, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, यानी कि खेती। खेती करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों, सबसे मेन बात या मेन काम जो सामने है वो ये है कि किसानों को उनकी उपज का भरपूर मूल्य मिलना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए, तभी यहाँ का किसान खुशहाल हो सकता है। और अगर किसान खुशहाल होगा तभी देश तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस रबी सीजन के लिए 2018-19 के लिए अपना समर्थन मूल्य गेहूं की फसल के लिए निर्धारित किया गया है। अगर नए समर्थन मूल्य की बात करें तो इसमें 110 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। अब जो नया समर्थन मूल्य सामने आया है वो है 1735 रुपये। तो दोस्तों, अगर आप इस समर्थन मूल्य पर अपने गेहूं की फसल को बेचना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। आगे हम आपको बताने वाले हैं किस तरह आप अपने गेहूं की फसल को बेच सकते हैं, क्या क्या आपको करना होगा या क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि ऐसी जानकारी वाले और नई नई बिजनेस आइडियाज़ वाले वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब जानते हैं गेहूं के समर्थन मूल्य के बारे में। ज़्यादातर जगह गेहूं की फसल मुख्य फसल के तौर पर बोई जाती है और कहीं कहीं किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। और वैसे ज़्यादातर किसान अभी कटाई का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी फसल पूरी तरह नहीं पक पाई है। अगर आपकी फसल पक जाती है और आप उसको कटाई करने के बाद बेचना चाहते हैं तो आप सरकार के किसी भी विक्रय केंद्र जाकर आप अपना गेहूं 1735 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से बेच सकते हैं। सभी प्रदेश के सभी ज़िलों में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। और लेकिन आपको यहाँ कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जैसे कि आप गेहूं खरीद केंद्रों पर गेहूं अगर बेचने जाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको पूरे कराने होंगे। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि आपका पंजीकरण होना चाहिए। गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी होता है। किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं या फिर कृषि विभाग के पोर्टल www.fcs.up.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं या अपने जनपद के किसी भी विभाग में जाकर, कृषि विभाग में या फिर हॉर्टिकल्चर विभाग में, किसी भी विभाग में जाकर आप वहां पर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और जो कृषक भाई खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिचौलियों से बचने के लिए अच्छा है कि हम अपना पंजीकरण करा लें और सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए खरीद केंद्रों पर ही अपना गेहूं बेचें। इसका एक फ़ायदा और होने वाला है कि जो भी आप अपना समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसान भाइयों को माल की उतराई, छनाई या सफाई के लिए 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकार अलग से पैसा देगी। और जो भी आप अपना गेहूं सरकार के खरीद केंद्रों पर सेल करते हैं या बेचते हैं तो उसका पैसा जो आपका बनता है वो खरीद के 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में गेहूं का समर्थन मूल्य सीधे भुगतान कर दिया जाएगा। अगर आप इसके संबंध में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800180050 पर आप जानकारी ले सकते हैं या फिर इसके अलावा 0522-22-88-906 पर आप संपर्क करके इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। या इसके अलावा आप अपने ज़िले के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षण से संपर्क कर सकते हैं। मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा कि विगत वर्ष ऐसा हुआ था कि किसानों ने अपना गेहूँ रोक के रखा हुआ था कि समय आने पर उनको सेल करेंगे और अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन पूरे साल बीतते बीतते देखने में आया कि गेहूं कभी ज़्यादा महंगा हो ही नहीं पाया। तो इससे अच्छा यही है कि अपनी ज़रूरत भर का गेहूं रखें और बाकी का आप 1735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समर्थन मूल्य है किसानों के लिए।
तो आप रोकना उचित नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आपकी अपनी इच्छा है, आप रोक भी सकते हैं। एक चीज़ और मैं किसान भाइयों को बता दूं कि ये खरीद 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 15 जून 2018 तक चालू रहेगी, और इस सुबह प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप यहाँ पर अपना गेहूँ बेच सकते हैं। इसके लिए आप खाद्य विभाग के और यूपी स्टेट एग्रो के, पीसीएफ के और कर्मचारी कल्याण निगम ने अपने अपने जगह जगह केंद्र स्टार्ट कर दिए हैं, खोल दिए हैं, तो आप वहां जाकर इसकी बेच सकते हैं या फिर बेचने की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल पक चुकी है तो उसको काटने की तैयारी करें, उसके बाद आप बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है, बिना पंजीकरण के आपका गेहूँ वहाँ खरीद केंद्रों पर नहीं खरीदा जाएगा। गेहूँ विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ साथ जोत बही, कथौनी या फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाय प्रति एवं यथासंभव आधार कार्ड साथ लेकर जाएं, जिससे आपको वहां किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आप भी इस योजना का लाभ उठाइए और उचित अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी या बिजनेस प्लान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।